फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही आसान झटपट से बन जाने वाला स्टार्टर बनाएंगे, वो भी 3 से 4 दिन की पुरानी ब्रेड के साथ में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटी सी प्याज, 3 से 4 क्लोव्स गार्लिक के और एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालकर फटाफट से चॉपराइज कर लेते हैं। बड़ा अच्छा इसके अंदर कोई भी चीज़ चॉप्ड हो जाती है। हम इसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसा मुझे फाइन चॉप चाहिए था मैंने कर लिया है। अब हम इनको रख देते हैं साइड में। एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे ये ब्रेड। ब्रेड को हाथों से तोड़ करके हम इस बाउल के अंदर डाल देते हैं। ये हमारी कुछ 3 से 4 दिन की पुरानी ब्रेड है और मैं ले रही हूँ 5 पीस, और हमने तोड़ लिया। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप पानी। हमें ब्रेड को बहुत ही अच्छे से सोक होने के लिए पानी डालना है। तो अगर थोड़ा सा पानी कम या ज़्यादा भी हो गया ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस ये ब्रेड अच्छे से सोक हो जाना है। साइड में हमने रख दिया। अब एक दूसरे बाउल के अंदर हम ले रहे हैं ये 1/2 कप बॉयल श्रेडेड चिकन। अब यहाँ पर अगर आप चिकन नहीं खाते हैं या आप वेजिटेरियन हैं, तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं पनीर से, सोया कीमा से। वो भी नहीं खाना है तो सिर्फ वेजिटेबल से भी आप बना सकते हैं। तो उसके बाद हमने डाल दिया इसके अंदर श्रेडेड गाजर, और ये हमारी जो प्याज, लहसुन और अदरक हमने चॉप किया था वो डाल दिया। बंद गोभी डाल देते हैं, यानी कि कैबेज 1/4 कप। सब्जियां आप बिल्कुल अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लें। अब हम सीजनिंग ऐड कर रहे हैं। तो धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और क्रश किए हुई भी लाल मिर्च डालते हैं, थोड़ा सा तीखी होती है। और डाल देते हैं रोस्टेड भुना हुआ ज़ीरा। ये फ्रेश ब्लैक पेपर है, हमने इसको अभी अभी कूट करके लिया है। थोड़ा सा, बहुत ही ज़रा सा हमने गर्म मसाला डाला। आमचूर पाउडर डालेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं सॉल्ट। और यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप पुदीना भी इसमें डाल सकते हैं, हरी प्याज ऐड कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सब्जियाँ इसके अंदर ऐड कर लें। बड़ा ही फटाफट से स्टार्टर ये बनेगा और बड़ा यमी सा होता है फ्रेंड्स। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। अब हम इन ब्रेड को क्या करेंगे, हाथों से निचोड़ करके इसके अंदर डाल देंगे। पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो गया पानी तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर पानी निचोड़ करके ऐड करना है। एक्स्ट्रा पानी जो है उसको हम फेंक देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर डिश पसंद आया है तो मेरे एफर्ट के लिए और मेरे एप्रिसिएशन के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग ना लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, मैंने देखा है। फ्री में होता है लाइक, प्लीज़ कर दिया करें। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून इसके अंदर राइस फ्लावर, ये इसको क्रिस्पी बनाएगा। ठीक है जी, अब हम फटाफट से इनको कर लेते हैं मिक्स। आप इसके अंदर हरे मटर भी डाल सकते हैं, और बच्चे जो सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं ना, उनको इस तरीके से आप बना कर दे दें। आप चाहें तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे दें। मैंने सोचा था कि मैं इसको, अगर मैं चिकन नहीं डालती तो मैं इसको जो है ना प्लास्टिक शीट पर फैला कर किसी भी अलग अलग डिज़ाइन के कटर से मैं काट देती, लेकिन यहाँ पर श्रेडेड चिकन जो है ना वो उसको फिनिशिंग नहीं आने देगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक फिंगर का शेप दे रही हूँ, लेकिन ब्रॉड में, थोड़ा चौड़ा। गोल शेप मत बनाएगा, अदरवाइज़ वो लगेगा कि आपने कबाब बना दिया। तो ये देखिए जी, रेडी हो गया। इस तरीके से हम फटाफट से सारे जो है बना लेते हैं और अच्छे खासे बन गए। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 5 से 6 दिन, ये आराम से रहेंगे। बच्चों को आप जो है पाँव के अंदर इसको लगा करके दे सकते हैं, पाव में रख करके आप दे दें उनको, टिफ़िन में दे सकते हैं। बड़ा ही अच्छा ये स्टार्टर है और बड़ा फटाफट से बन जाता है। तो डबल रोटी से सिर्फ आप ब्रेड क्रम नहीं, बहुत कुछ बना सकते हैं। और अब हम इनको शुरू में हाई फ्लेम पर हमने डाला, और अब हम मीडियम की फ्लेम करके इनको अच्छा गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, ये फटाफट से रेडी हो गए हैं और सारे हम पलट लेते हैं। तो डिश कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा दूसरों को भी। चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो है केचप, मेयोनीज़ या फिर चटनी के साथ में इसको सर्व करें। मैं तो इसको ऐसे ही जो है वो खाती हूँ, ताकि मुझे सही से इसका फ्लेवर जो है ना वो पता चले, क्योंकि जब हम इस तरीके की चीज़ों को चटनी से खाते हैं तो फिर उसका फ्लेवर रियल पता नहीं चलता। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको कैसे खाना है खा लीजिए।